पर ही होते हैं। इनकी खबर राम जी को होती है। किनको होती है? इनकी चिंता राम जी को होती है। और महात्माओं को वैसे चिंता करना भी नहीं चाहिए, केवल महात्माओं को नहीं, किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पूछो क्यों? भैया चिंता करोगे तो चिता को पाओगे, चिंतन करोगे तो परमात्मा का घर पाओगे। अब आपके ऊपर है, आपको चिंता करनी है या चिंतन। इसलिए चिंता मत करो, खूब भगवान का भजन करो, संतों का संग करो। भगवान को खूब खबर है, हमें लगने लगता है भगवान हमारे देखते नहीं, भगवान हैं भी कि नहीं, सुनते कि नहीं सुनते। अरे भैया हमसे ज्यादा हमारे रघुनाथ जी को तुम्हारी फिक्र है, अपने से ज्यादा है। एक और कथा बताते। एक महात्मा जा रहे थे रास्ते से, जलेबी की दुकान पर रुक गए, जलेबी खूब चकाचक खाई। सेठ साहूकार ने सोचा कि ये भूखे होंगे, महात्मा हैं, सोई सेठ जी ने बढ़िया चकाचक इनको एक डेढ़ किलो जलेबी खिला दी। महात्मा ने बढ़िया जलेबी खाई, ऊपर की तरफ देखा, आहा आज तो बड़े खुश हो, दूध जलेबी खिला रहे सुबह सुबह, बस प्रभु को धन्यवाद देकर बढ़ गए। अब महात्माओं की झोली में तो ज्यादा कुछ होता नहीं, मनी राम धनी राम, सोई आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो महात्मा तो मस्त मौला होते हैं, बड़े कूदते फांदते चले जा रहे थे बंदरों की भांति, और कूदते फांदते गए। बरसात का मौसम, एक नव युवक अपनी पत्नी के साथ, नया नया विवाह है, और जी की नई नई शादी हुई हो उसका एटीट्यूड देखो फिर तुम, तो नई नई शादी और अपनी धर्म पत्नी के साथ लुगाई के साथ चला जा रहा था, और महात्मा तो अपनी मस्ती में मस्त नाम मस्ती में डोले, अपनी मस्ती में डोलते हुए जा रहे थे। पांव कीचड़ में महात्मा का पड़ा, और वो कीचड़ उचट करके जो है, जो पति पत्नी जा रहे थे उनकी देवी जी के ऊपर गिर गया, सोई मेकअप धेकअप सब स्वाहा हो गया, पूरा मेकअप खराब। जहां मेकअप खराब हुआ तो उस स्त्री का जो पति था बड़ा गुस्सेल बॉडी बॉडी बनाया था, उसने महात्मा को पकड़ा, ए बाबा शर्म नहीं आती है, देख कर नहीं चलता है बाबा। और उस बेचारे ने, बुद्धि कम रही होगी, महात्माओं से कैसा बर्ताव करना चाहिए ऐसा तो उसे भान ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, संस्कृति संस्कार नहीं थे उसके। उसने महात्मा जी को एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन धन्य है महात्मा। देखो महात्मा किने कहते हैं, संत जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उन महात्मा ने कोई गाली नहीं बकी, उन महात्मा ने फिर ऊपर की तरफ देखा, कहा वाह ठाकुर सुबह सुबह जलेबी और फिर तमाचा भी, धन्यवाद, और चले गए। भैया बात पूरी नहीं होती है, महात्मा तो मस्त मौला होते, चिंता करे बलाए हमारी। महात्मा चले गए भगवान को धन्यवाद देकर, वो पति पत्नी आगे बढ़े, उनका दूसरे मंजिल पर घर कमरा था, और वो दोनों चढ़ ही रहे थे, तब तक उसका चढ़ते चढ़ते उस युवक का पैर फिसला और धड़ाम से नीचे गिरा, सिर फट गया, प्राण उड़ गए, मर गया, हाहाकार मच गया। पत्नी जो नवविवाहित स्त्री थी रोने लगी, वो शोरगुल सुना, परिवार वाले आ गए, गांव वाले आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, अच्छे खासे चले आ रहे थे, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन बता लगा ऊपर से हमारे ही साथ चले जा रहे थे और सीढ़ी से पैर फिसला, नीचे गिरकर मर गए। अरे हुआ क्या, ऐसे कैसे मर गए? सब सोचने लगे हमको भी यही संदेह हो रहा। उस स्त्री ने कहा, अभी अभी कुछ देर पहले एक महात्मा को जरूर मारा था, लगता है उन्हीं महात्मा ने कोई जादू टोना कर दिया। सब गांव वाले महात्मा को देखने दौड़े, सोई गांव के बाहर महात्मा जी तो भक्कड़, अब भागने वाले में से तो है नहीं, उन्हें कोई कहानी पता नहीं। सोई महात्मा जी गांव के बाहर पेड़ के नीचे बढ़िया कीर्तन गा रहे थे, नच रहे थे, खूब मस्त नाम मस्ती में थे। गांव वालों ने पकड़ लिया, ए बाबा तू बड़ा जादू टोना जानता है, बहुत मंत्र मंत्र जानता है, और तू लोगों पर मारन का प्रयोग करता है और तू लोगों को मार देता है। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, भैया ना हम मारन जाने ना बसीकरण, हम तो केवल राम जी का नाम जानते हैं। फिर गांव वालों ने पूरी बात बताई,
अगर तुम नहीं जानते तो वो कैसे मर गया। महात्मा बोले गिरने से मरा, पर इतनी ऊंचाई भी नहीं थी महाराज जी कि वो गिरने से मर जाए। अच्छा फिर लगता है आपने ही कोई मारण कर दिया है, सच सच बताओ वरना तुमको जो है राजा के पास ले जाएंगे। उस जमाने में राजकीय राजा शासन चलता था। महात्मा हाथ जोड़कर बोले भैया इसमें हमारा कोई दोष नहीं। बोले क्यों? बोले पहली बात तो ये बताओ कि इसने थप्पड़ क्यों मारा था। तो वो जो पत्नी थी उस युवक की, उसने कहा वाह आपने अपने पांव का प्रहार करके कीचड़ हमारे ऊपर उड़ेल दिया था। तो महात्मा ने कहा देवी जी वो कौन है तुम्हारे? बोले वो पति है, पति का धर्म है अगर स्त्री के ऊपर कोई विपत्ति आवे तो विपत्ति से रक्षा करना पति का धर्म है, हमारे पति ने रक्षा की। महात्मा मुस्कुराकर बोले बस हिसाब किताब बराबर। गांव वाले बोले मतलब? बोले जिस प्रकार तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर कीचड़ नहीं देख पाया उसने थप्पड़ मार दिया, उसी प्रकार हमारे ऊपर भी हमारा कोई पति है उसको भी नहीं देखा गया, उसने भी अपना काम कर दिया। अब ये पति पति की लड़ाई है, इसमें हमको क्यों पाड़ रहे? ना तुम पढ़ो ना हम पढ़े, एक ऊपर लेवल की लड़ाई है।